फादमा क्या पढ़ रही है हम्म mm. फात्मा अच्छा पुचे है फात्मा फात्मा आप अच्छे पुछे हो असलकुम कैसे हैं आप अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें शाद रहें आमे सुबह आम तो जनाब आज है मेरी डाइट का सेवन डे और आखिरी दिन है आज और आज का जो है मेरी सारे दिन की रूटीन और सारे दिन की डाइट मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और आज जो मैंने सुबह अपना वज़न चेक किया है मेरा वज़न तकरीबन तीन तीन के जी पॉइंट टू कम हुआ ठहरा है और अभी हम कर रही हैं नाश्ता सुबह सुबह मैं उठी तो फातिमा भी अपनी बुक्स लेकर आ गई कि पहले मुझे पढ़ाओ फिर नाश्ता करना फिर ख़ैर ये मैं इसको भी पढ़ाने लग गई थी अभी इसको बोलना छोलना तो आता है नहीं है बस ये ऐसे किताबें उठा के आ जाती है कि मुझे पढ़ाओ और फिर इसकी जो बहन है वो भी आ गई इसे कहना इसका नाश्ता लेके ये हम कर रहे हैं नाश्ता ये कर रही है आज मैंने नाश्ता नहीं किया आज मेरे इरादे सिर्फ चाय पीने का था क्या खा रही है अंडा और रोटी पुराठा अंडे अंडा पराठा हम्म अच्छा मैंने आज तो नाश्ता नहीं किया आज मेरा बस नाश्ता करने का वो नहीं था तो मैंने कहा चाय तो मैंने चाय पी है और वो भी आज हमारी जो हसीना आई है ना उसको कहा मैंने कहा चाय पिलाओ मुझे आज मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था मैं सुबह जब उठी हूँ तो मैं फ्रेश नहीं फील कर रही थी बस फिर मैंने चाय नहीं पी ये अपना सॉरी मैंने नाश्ता नहीं किया बस चाय चाय पी सी हसीना के हाथ ही ये आई है तो पहले मैंने इसको मुझे चाय पिलाओ फिर कोई और काम करना मैं यहाँ पी रही हूँ चाय फिर मैंने दोपहर को दिल्ली सी बात आज मैंने नाश्ता नहीं किया था तो फिर दोपहर को मैंने समोसे खाए थे डेढ़ समोसा था जो हम लोग कल बाज़ार से लेकर आए थे और अब पड़ा था फ्रिज में तो मैंने वही गर्म करके वही खाया है मैंने कहा ना, नाश्ता तो मैंने किया नहीं समोसा आज फिर मैंने समोसे खाए हैं यही डेढ़ समोसा पड़ रहा था इसमें भी मैंने थोड़ा सा बच्चे बच्चों को खिलाया बाकी मैंने खुद खाया है उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि आजकल थोड़ा सा मेरा बीपी आई हाँ हुई है तो उसकी वजह से मैं मेडिसिन लेती हूँ तो सो जाती हूँ फिर जब मैं उठी थी ना तो मौसम बहुत अच्छा हुआ ठहरा था बहुत ज़बरदस्त था और बारिश हो रही थी बारिश तो मुझे जब मैं सो रही थी तो मुझे तब फील हो रही थी आवाज़ें आ रही थी बारिश की बहुत अच्छा हमारा है जो जो वेदर है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हुआ पड़ा है मुल्तान का और फिर इसके बाद फिर मैंने पी है चाय मैंने चाय पीने के बाद अभी मैं चाय पी रही थी तो मेरी जो सिस्टर है ना उनकी कॉल आ गई है कि आ जाओ बाहर बाहर चलते हैं बाहर बैठते हैं पार्क में तो आज बच्चों का मूड नहीं था पार्क जाने का क्योंकि मौसम काफ़ी सार था तो बच्चे आज घर पे रहे रह गए तो मैं फिर मैं और मेरी सिस्टर हम मैं फिर चाय पिए जल्दी जल्दी जल तो फिर मैं उधर ही चली गई मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ ठहरा है बहुत ज़्यादा बहुत बहुत अच्छा लग रहा था हवा चल चल रही थी बहुत ज़्यादा और मज़े का मौसम बना हुआ है बहुत ज़्यादा मज़े का मौसम बना है खैर मैंने चाय पी है फिर मैं बाहर गई हूँ तो वहाँ पे मुझे रेनबो नज़र आई अच्छे रेनबो भी कभी कभी अब नज़र आती है पहले हम बचपन में होते थे ना तो बचपन में मुझे याद है कि बहुत वाज नजर आती थी हम जब गांव में होते थे तो बारिश के बाद ना वो ऐसी जो ज़मीनी होती थी उस दूर दूर नज़र आती थी अब यहाँ ऐसे लगता है जैसे बहुत थोड़ी थोड़ी सी ये देखिए बिल्कुल मामूली सी नजर आई है तो मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर करती अब मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा है बच्चे यहाँ पे बहुत खेल रहे थे लेकिन आज ये कहना कि हमारे बच्चे कोई भी नहीं आया था बस मैं और मेरी सिस्टर हम लोग बस बैठे रहे हैं यहीं पे मेरी बाजी गई हैं घर से चाय बनाई है और अब हम दोनों बहनें बैठी चाय पी रही हैं इंजॉय कर रही हैं खुद को टाइम दे रही हैं क्योंकि आज का जो टाइम था वो जस्ट हमारा था बच्चे नहीं थे बच्चे घर पे थे तो हमने सोचा था आज का जो टाइम है ना आज की जो शाम है हम अपने नाम करेंगे और दोनों बहनें बैठे चाय पी रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं गप्पे शप्पे लगा रहे हैं उनके बाद बच्चों के साथ तो गप्पे बहुत बंदा कम लगा लेता उनकी बातें ख़त्म नहीं होती उनके लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती खैर अब वो अपने घर चली गई है मैं अपने घर चली आई हूँ और अब हाँ हो गया है सोने का टाइम और बच्चे अब सोने की तैयारी कर रहे हैं ऐसे ना बच्चे इतनी जल्दी सोने वाले हैं नहीं तकरीबन ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह बजे तक ये जा के कहीं सोते हैं बच्चे और जहरी सी बात है अपनी इनकी वो रूटीन होती है दोपहर में कुछ सो जाते हैं तो इसलिए फिर रात को ये थोड़ी लेट सोते हैं खैर कोशिश तो हमारी होती है कि ये जल्दी सो जाएं जल्दी उठें सुबह लेकिन फिर सोते सोते ग्यारह बारह बजा ही देते हैं और रात की हमारी यही रूटीन होती है कि रात को इकट्ठे बैठ के हम भी देखते हैं अच्छा आज मैंने डिनर नहीं किया और ना ही मैंने सुबह ब्रेकफास्ट मैंने बस दोपहर में समोसे खाए थे और बस मैंने और कुछ भी नहीं लिया था ख़ैर आज ये का आपको ब्लाग मेरा पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर दुआओं में बहुत याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दे हाफिज़